गाइस अभी मजा रहा है तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं, हम अपने बोट की तरफ को पहुंच ही गए हैं। तो हम ऐसे आए वहाँ से सामने से आए क्या मौत का मौत का कुआं पार किया है पहुंचे क्योंकि एक्चुअली गाइस अभी हवा चल रही थी तो थोड़ा रिस्की था बट ठीक है चलो हम काफी हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि पिंकी जा रही है तो अभी जो आगे के व्लॉग्स आएंगे वो बना रही है पिंकी क्योंकि उसने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है मेरे व्लॉग की। और ये लोग निकल रहे हैं अभी घूमने के लिए, कहाँ जा रही है आपको रास्ते भर पता चल जाएगा, आप कंटिन्यू बने रहिए व्लॉग में आपको पता चलेगा। और ये हैंडसम बॉय हेलो 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 जॉयली देखो आप सभी लड़कियों के लिए अच्छा और आप आपको मिलाते हैं पिंकी से। पिंकी रेडी, पिंकी का एयरपोर्ट लुक एली मेरे को वो दे दो स्लीप बेटा बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे जूते इसके साथ। और ये है अब तुम दोनों अबे पास में आओ तुम दोनों साथ में घूमो तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो तो ये हनीमून के लिए जा रहे हैं कितने एक हनीमून नहीं कह सकते अच्छा हमारा हो चुका है अच्छा हो चुका है ये जा रहे हैं घूमने तो आप लेके जा रहे हो नहीं एक बैग ये है मून पे जा रहे हैं हनी हमारा खत्म हो चुका है चलो भाई। तो अब ये लोग निकल रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं ये आपको पिंकी कंटिन्यू ब्लॉग में बताएगी रास्ते में। हाँ तो पिंकी रास्ते में बताएगी कहाँ जा रहे हैं तो हम आपसे मिलेंगे जब पिंकी वापस आएगी वहाँ पे व्लॉगिंग करेगी। तो ये अजय पता नहीं कुछ भूल गया है और ये पिंकी है तो आप पिंकी के साथ बने रहिए हम लोग फिर मिलेंगे जब पिंकी वापस आएगी। तब तक पिंकी पूरा जिम्मा अपने कंधों पे मोटे मोटे कंधों पे उठा के रखे चार्ज लूंगी तुझे यूट्यूब वाले पैसा दे या ना दे पिंकी में चार्ज प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पहले मांगने वाले स्टार्ट हो गए हैं अभी मिलना शुरू हुआ नहीं मुझे मैंने सैलरी पे रखा है इनको लास्ट व्लॉग मैंने ही बनाया मैंने ही हाँ लास्ट वीक मेरा फोन टूट गया था तो मैं नहीं बना पाई थी तो मेरी बहनों ने बना दिया। गाइस लुकिंग वेरी क्यूट गाइस ये वही बैग है जो मैंने टाइम पास करते करते खरीदा था एक्चुअली मैंने नहीं कृति ने खरीदा है मेरी कृति ने भी टाइम पास किया है मैंने कहा मुझे तो टाइम पास करना है तू क्यों कर रही तू क्यों खर्चा कर उसने मुझसे ज्यादा खर्चा किया। तो गाइस ये जा रहे हैं तो हम इनको बाय बाय कर देते हैं आप इनके साथ आगे कंटिन्यू बने रहिए और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. Check-in कर लिया है अब हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। चलो मैं बिल्कुल भी सर्च में कहाँ जा रहे हैं हम तो आपको पता चलने वाला है। क्लास इकोनॉमी में जा रही है सर हम यार बिल्कुल चलो ठीक गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारी डेस्टिनेशन थी कश्मीर। फिलहाल तो हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे है थैंक यू सर लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है बहुत फ्लाइट का तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था अच्छा नहीं था बट ठीक है फाइन अच्छा था मतलब लाइक वो फालतू में आप लोग आगे पीछे थोड़ा एक तो बैलेंस करने में टाइम लग गया था फिर उसके बाद लैंडिंग में वो ऊपर ही क्योंकि ट्रैफिक होने के कारण उसने काफ़ी देर तक हमें ऊपर ही लेके गया था। तो अभी हमारा ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है तो देखते अभी हमें किधर को जाना है। हमारा ड्राइवर कहाँ चला गया वैसे मतलब पार्किंग एरिया पे है गाइस हमारी टैक्सी आ गई है अब हम निकल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं मतलब क्या है पहले तो बताओ मेरे को बहुत सारी जगह पता है बट आप कहाँ पे पहले लेके जा रहे हो आप वो बता दो क्योंकि आप तो लोकल जाना है आपका लोकल निशात है क्या शायद ठीक है क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरी में फिर हम लोग शिकारा राइड और होटल में जाके ही फिर शिकारा राइड उसके बाद करेंगे लोकल में ठीक है। तो पहले ये यहाँ से हम जा रहे हैं निशात काली मोड़ ठीक है तो अभी देखते हैं हम आज कितना यहाँ पे कवर कर पाते हैं क्योंकि आज ही हम लेक भी जाना ही है उससे पहले हमें बोट में आज चेक इन करना है। आज हमारा पहला जो डे है वो हम बोट में स्टे करने वाले हैं वो भी एक्सपीरियंस कौन से महीने अलग है तो
तो गाइस ये यहाँ पे डल लेकर रास्ता है जो कि हम अभी नहीं, हम तो इवनिंग में से कवर करने वाले हैं और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है इवनिंग में। वेलकम टू डल लेक। अभी तो हम मुगल गार्डन जा रहे हैं, तो यहाँ हम शाम को आएंगे तब देखते हैं। गाइस दिस इज श्रीनगर, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मतलब प्लेजेंट वेदर हो रहा है और मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो ब्यूटी है वो हम शायद कैमरे में कैप्चर ना कर पाए। हम पहुँच चुके हैं निशाद गार्डन, यह निशाद गार्डन बहुत बड़ा है। फोटो तो इसे भी मुगल गार्डन ही बोलते हैं। इससे पहले हम निशाद गार्डन गए थे, वो भी काफ़ी बड़ा था और ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, छोटे छोटे बच्चे। ये है मुगल गार्डन, बैग देखना है, अच्छा ले लिया हमने। तो बेसिकली जो ये गार्डन है ये जहांगीर ने बिल्ड कराया है अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज एंड है बहुत ब्यूटीफुल एंड शांति। एंड सामने दिख रहे हैं पहाड़। अब इन्होंने यहाँ पे ना ये पानी थोड़ा बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों, अगर ये होता तो शायद पहले से आगे होगा, आगे चलो आगे और भी ब्यूटीफुल लगता। तो गाइज अब हम यहाँ से जा रहे हैं, दोनों कपल्स बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्वालिटी ऑफ माय कैमरा ठीक है। तो गाइज अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ब्यूटी है शादी की, तो एक ही बता देता हूँ, और यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट मांगे हैं गाइज, कुछ नहीं मांगते। तो गाइज अब हम यहाँ से जा रहे हैं डल लेक और अपना हाउस बोट में चेक इन करेंगे, तो चेक इन करने के बाद ही हम डल लेक में जाएंगे, हम बोट में जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ का कैसा रहता है। तो अभी तक तो हम दो गार्डन गए तो बहुत ही अच्छा था एंड व्यू बहुत अच्छा था। और ये छोटे बच्चों हेलो करो, तुम्हारी बेइज्जती जो करी है मुंह पे। कोई बात नहीं, वो देख रही है मुझे, तो या मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करती हूँ। अरे वो भाग रहे, उनका अपना ही कुछ है, तो कह रही है सामने दे रहे चलाते हैं। यार मत बोलो सब वीडियो में, यार क्या हमको ही लेना क्या, ये तो तुम विकास नगर भी ले सकती हो। तो लोकल भी आ जाते हैं ना शाम को, गर्मी है ना अभी, सब निकल जाते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, दोनों कपल्स बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्वालिटी ऑफ माय कैमरा ठीक है। तो गाइज अब हम यहाँ से जा रहे हैं, है शादी की, तो एक ही बता देता हूँ, और यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट मांगे हैं गाइज, कुछ नहीं मांगते। तो गाइज अब हम यहाँ से जा रहे हैं डल लेक और अपना हाउस बोट में चेक इन करेंगे, तो चेक इन करने के बाद ही हम डल लेक में जाएंगे, हम बोट में जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ का कैसा रहता है। तो अभी तक तो हम दो गार्डन गए तो बहुत ही अच्छा था एंड व्यू बहुत अच्छा था। और ये छोटे बच्चों हेलो करो, तुम्हारी बेइज्जती जो करी है मुंह पे। कोई बात नहीं, वो देख रही है मुझे, तो या मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करती हूँ। अरे वो भाग रहे, उनका अपना ही कुछ है। घाट 15 पे पहुंच गए, जैसे कि आप देख सकते हो कितना रश हो रहा है, इतना प्यारा रश हो रहा है और इतना प्यारा व्यू है, लाइक
मज़ा आ रहा है बढ़ते टाइम। मतलब अभी तो हम श्रीनगर ही हमने देखा तो हमें श्रीनगर में इतना मज़ा आ गया है एंड वेदर तो बस ऑन टॉप है। तो गाइस अभी तक हम अपने बोट की तरफ नहीं जा पाए क्योंकि इतनी हवा चल रही है तो हवा के कारण ये जो बोट होती है ये नहीं चल रही। तो अभी मैं यहाँ आई और अभी गर्म और मैं तो शॉल ले ली क्योंकि मेरी स्वेटर तो अंदर थी और अजय तो बिल्कुल लड़कियाँ बहुत ही सुंदर है यार रात ही सुंदर है। ये देखो स्टेशनरी वाले भैया पे जो है भाई सुंदर जगह है यार क्या सुंदर जगह है। मतलब मैं तो भाई पता है अगर तेरह उदय मुंबई और ये सारे गांव में मिला दो ना तो मिल के एक खूबसूरती हुआ है कश्मीर में। ये देखो मोटी ठूस रही है हमारी अरे ये बैग बड़ा है तूफान आ रहा है इसलिए हम पार नहीं कर पा रहे हमें सामने जाना है उस वाले ये देखिए सामने आ रहे हैं जब और हम बीच मजदार में और फट रखी है मेरी ये देख रहे हो टूटी हुई बस नीचे नहीं मेरा फोन मेरे को करने दो नहीं नहीं तो पकड़ो ये मेरे को दे दो गिर जाएगा। तो गाइस ये वाले भैया हमें पहुंचा रहे हैं वाइट हाउस बोट की तरफ को और हमारे हमको दोनों को इतना डर लग रहा है क्योंकि हवा चल रही है पर लेकिन बहुत मजा आ रहा है नाइस एक्सपीरियंस तेरे नाइस एक्सपीरियंस हम दोनों की तो हालत खराब हो रही है लेकिन ठीक है व्यू बहुत ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और अजय खा रहे हैं गुट्ठा नाडा में अगर निकाल दो ना तुम ऐसे वाओ नाडा में अगर लेक आ जाए ना बीच में हाँ तो क्या ऐसे लगेगा वो ऐसे लगा भाई साहब इधर देखना मैं कहीं नहीं देखना चाह रही हूँ गाइस अभी मजा रहा है। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हम अपने बोट की तरफ को पहुँच ही गए तो हम ऐसे आए वहाँ से सामने से आए एक नाइस फिर मौत का खेल पार किया है क्या मौत का खेल मौत का कुआं पार किया है क्योंकि एक्चुअली गाइस अभी हवा चल रही थी हवा चल रही थी तो थोड़ा रिस्की था बट ठीक है अच्छा ओके। हम काफ़ी देर से वहाँ खड़े थे इतनी ठंड लग रही थी कि हमने वो पहने अजय यहाँ इतने मस्त लग रहे हैं बहुत बढ़िया लग रही है एंड व्यू तो लाइक ऑन टॉप है। चलो अंदर चलो खोलो जरा हाँ तो ये है हमारी हाउस बोट ये कॉमन एरिया है लिविंग एरिया ये मैंने देख लिया था ना वो नेट पे ऑल वुडन कवर ठीक है। अभी एक्चुअली ना यहाँ बहुत तेज से तूफान चला तो लाइट जा रखी है तो अभी लाइट नहीं है यहाँ पे जब लाइट आएगी तो देखते हैं किधर है ये ऐसे करके जाना है एंड आई एम गोइंग 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 एंड ये हमारा रूम तो नाइस ये देखो जरा मेरी हालत आप थोड़ा सा हो गए ना बंद वेरी नाइस। हमको हम आपको बता देंगे खाने के लिए हम सामने ही जाएंगे और फिर अगर कुछ वैसे ऐसे चल के और खाने का आप लोग यहाँ पे भी बनाते हो यहाँ पे होममेड होता है। ये है वॉशरूम और यहाँ पे बार टब भी है आप एंट्री कर दो और आधार कार्ड। तो गाइज हमारी शिकार राइड नहीं हो पाई थी क्योंकि मौसम यहाँ बहुत ख़राब हो गया था जिसके कारण हमारी शिकार राइड नहीं हो पाई लेकिन हम करेंगे कल तो नहीं करेंगे हम 15 को इसको कंटिन्यू करेंगे और अभी हम बोट में ही हैं तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना यहाँ पे भी मिलता है बोट में लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे मार्केट वॉक वॉक करते हैं क्योंकि अभी यहाँ अच्छा सा वेदर भी हो रहा है तो वॉक करते हैं फिर हम खाना खाने जाते हैं खाना खाने के बाद हम आते हैं फिर हम आपको अपडेट करते हैं। तो हो सकता है आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करें या फिर कल तो देखते हैं अभी कितना लंबा व्लॉग बनाए।
गाइस अभी हम श्रीनगर की रोडों पे हैं, लेक के बगल में, डल लेक के बगल में। अभी हम आए हैं बाहर खाना खाने। तो ये हम मेरे पीछे आप एक शॉप देख रहे होंगे, नथु स्वीट शॉप, इसके बारे में हमको ड्राइवर ने भी और जहाँ पे हम रुके हैं बोला कि काफ़ी अच्छे, तो हम लोग यहाँ से कुछ ट्राई करते हैं। बाकी देखते हैं हम खाना कहाँ से खाते, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अजय नॉन वेज भी खाते लेकिन इतना पसंद भी नहीं, तो वो भी वेजिटेरियन खाएंगे। तो मैं कहीं कुछ वेजिटेरियन वाला रेस्टोरेंट देखती हूँ कि कौन सा है, वैसे उन्होंने हमें बताया तो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, रश है, बहुत अच्छी एनर्जी एंड वाइब्स। तो गाइस आज हमने नथु स्वीट शॉप के यहाँ से हमने डिनर ऑर्डर किया है, और ये हमने एक स्वीट्स भी ली है। इसका नाम क्या है बताएंगे जी? इसका नाम है रोज ड्राई फ्रूट बर्फी। यहाँ के भी हम बर्फी खा रहे हैं। ये गाइस मतलब ये 900 पर के जी है, 1900 पर के जी। तो अभी हम टेस्ट करके इसका रिव्यू देते हैं। कोई सॉरी ना, चलो टेस्ट करो, बताओ मुझे कैसा। नहीं तो तुम करो ना, मैं नहीं। ओ गाइस हम ये ट्राई कर रहे हैं, बहुत देखते हैं कैसा है। गाइस बिल्कुल जी, हेलो जी, आज ये रिएक्शन से तो मुझे अच्छा है। नहीं खाना आने के बाद खाऊंगा। ओके A few moments later. तो गाइस हमने नथु स्वीट शॉप के यहाँ से डिनर कर लिया है, और हम स्वीट्स जो भी लाए थे वो यम थी, और बाकी हम ऐसे रोड पे घूम रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है, रोमांटिक वॉक हो रही है हम लोगों की। बोट लेके जाना भी है पर है। तो आज का तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, और अच्छा था, अच्छा व्यू था, और अच्छा अच्छा था जो लोग मिले हमें हेल्प की क्वालिटी। तो गाइस हम ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आज था डे वन हमारा श्रीनगर में, जो कि बहुत अच्छा रहा। हमने डिनर नट्टू स्वीट शॉप के यहाँ से किया, तो डिनर काफ़ी अच्छा था। हमें स्वीट्स ली वो भी काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी थी। तो शिकारा राइड आज हमारी नहीं हो पाई थी जैसे कि हमने आपको बताया था, तो उसका भी हम कल का प्लान है हमारा। कल हम गुलमर्ग से घूम के आएंगे, गंडोला राइड एंड अपनी एक दो चीज़ें कंप्लीट करके आएंगे, फिर हम यहाँ पर शिकारा राइड करेंगे। और जैसे कि जिस हाउस बोट में हम रहे हैं ना, इसका बेस्ट पार्ट मैं ये बताती हूँ, जैसे इसके बगल में हाउस बोट है, तो वो क्या कर पा रहे हैं, वो साइड का व्यू नहीं देख पा रहे, जैसे सनसेट सनराइज़ वो नहीं देख पा रहे। हमारी यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो यहाँ इतना भी मतलब ऐसे आप कर्टन खोलोगे तो सामने इतना प्यारा ब्यूटीफुल सी दिख रही है, ठीक है, पानी दिख रहा है, बोट यहाँ पे जाती जा रही है, ठीक है, लोग अपने गाने बजा रहे हैं, रेट्रो सॉन्ग बजा रहे हैं, तो अलग सी मतलब अच्छी सी वाइब्स आ रही है। तो हम कल शिकारा राइड और गंडोला राइड डे टू का कवर करते हैं ब्लॉग, तो इस ब्लॉग को तो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को हमारा ये रिंकी दी के घर आना, उसको सरप्राइज देना, देन फिर वहाँ से हमारा श्रीनगर आना, एंड देन कल फिर हम अदर जगह जाएंगे। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें, और आगे भी हम मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हमको मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी, जो इसका कभी यहाँ पे श्रीनगर कभी क्या मतलब मेरा तो यही मानना है कि आना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आओगे तो मैं यहाँ पे जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली और जो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब आने का जब हमारा विज़िट होगा, तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को पता चल गई हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जब आप ट्रैवल करते हो। तो ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट। ये मैच देख रहे हैं, चलो गाइस बाय, मैं तो सोती हूँ, ये अपना मैच देख रहे हैं जो